तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दो स्थितियों में प्राप्त करना था। अच्छी स्थिति में मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था पिछले लेक्चर में। आज की इस क्लास में आप लोगों को हम निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताएंगे। और एक छोटा सा टॉपिक और आपका रह जाता है, उसको भी इसी क्लास में डिस्कस कर देंगे और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर हम समझते हैं, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। पहले निरक्षी का मतलब समझिए, जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता ही दिया है, तो फिगर को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे से आपको फिगर को समझना होगा। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने बताया था कि देखिए वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आपका माइनस क्यों आवेश है, इसको बिंदु ए नाम दे देते हैं। यहाँ पर आपका प्लस क्यों आवेश है, इसको बिंदु बी नाम दे देते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है आपकी। ये आपका मध्य बिंदु आपका हो गया, इसको ओ नाम दे देते हैं। क्लियर, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बन गया। यहाँ पर देख पा रहे हो कि परिमाण में समान आवेश हैं और प्रेक्षित में विपरीत आवेश हैं। जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में क्या किया था, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लिया था जो कि मध्य बिंदु से आर मीटर की दूरी पर था, जहाँ पर मैंने इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। आज की इस क्लास में हम निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब होता है लंबवत स्थिति में, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर ही हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया है, ठीक, और इसकी लंबवत दिशा में ऐसे एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर लंबवत दिशा में, और दूरी वही रहेगी जो उसमें जैसे मैंने मानी थी स्मॉल r मीटर की दूरी थी, मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में माना था। अब हम निरक्षीय स्थिति में मान लेते हैं, क्या है भाई आपका एक बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति में क्या है आपका एक बिंदु P है, ये आपका एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों आवेशों के कारण जो परिणामी तीव्रता का व्यंजक होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यों आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। तो सभी लोगों को पता है अगर हमको प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता चाहिए तो हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताया है। जिस आवेश से और जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी होती है, सबसे पहले उसके बीच की दूरी आवश्यक होती है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये दूरी हमने बताई आपको स्मॉल r है, ये दूरी मैंने आपको बताई कि ये l है। तो सभी लोग जानते हो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये देखिए कर्ण का ही तो कार्य करेगी, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और प्लस क्या होता है एल स्क्वायर, ठीक है। कक्षा 10 में आप सभी लोगों ने पढ़ा है कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब का मान आर है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान एल है। तो इस तरीके से ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण जब बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस भी आपकी इतनी ही आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी आपकी आर है, ये दूरी आपकी एल है, तो बात वही पड़ेगी। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया जब आप प्लस क्यों आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आपकी प्लस से माइनस आवेश की ओर होती है। तो अगर ये पहले से ही प्लस क्यों आवेश है तो जब प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी होगी, और इस तीव्रता को हम नाम दे देते हैं ई1। हम मान लेते हैं कि प्लस क्यों आवेश के कारण जो बिंदु पी पर तीव्रता आ रही है वो ई1 आ रही है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब ई1 देखिए निकाल लेते हैं, लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण कहाँ पर निकालेंगे, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर क्या भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। दोनों आवेशों के कारण निकालना है, फिर परिणामी निकालना है, बस इतना ही काम करना है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, प्लस क्यों आवेश के कारण तीव्रता हम मान लेते हैं ई1। तो ई1 बराबर मैंने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताई है 1/4πε0 k। अगर माध्यम का परावैद्युतांक के मानेंगे, मानेंगे ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या भाई के, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई के, और अगर निर्वात तथा वायु के लिए करेंगे तो के का मान 1 रख देंगे, ठीक। बाकी क्या होता है आवेश, आवेश कितना है आपका क्यों, और क्यों आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ पर हमें तीव्रता निकालना है तो वो डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर होता है दूरी का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट आपका हट जाएगा, या हम इसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई1 बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 k, और क्यों अपान में अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। मानते हैं आप सभी लोग बात, मानते हैं भाई, इसको समीकरण मान लेंगे। अब इसी
तरीके से हम माइनस क्यों आवेश के कारण पी पर वैद्युत की तीव्रता निकालेंगे। तो इसी प्रकार लिख लीजिएगा, हम ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह यहाँ पर कम है। इसी प्रकार माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे तो ये आपकी तीव्रता आपकी ई टू हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश क्यों। और देखिए माइनस क्यों आवेश से पी तक की जो दूरी है वो आपकी इतनी है, स्क्वायर करेंगे तो आपका यही मान आएगा, ठीक है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। लेकिन अब आपको ध्यान ये देना है कि जो हम माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, डायरेक्शन एक दिशा में है तो परिणामी दोनों के योग से मिलता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन देखिएगा माइनस क्यों आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अगर ये माइनस है तो बिंदु पी पर जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो आपकी इधर की होगी, हमने कहा प्लस से माइनस की ओर होती है। अब माइनस क्यों आवेश इधर है तो तीव्रता इधर की ओर तो होगी, और इस तीव्रता को हम नाम दे देते हैं ई टू। क्लियर हुई बात। अब अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जब मैंने प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकाली तो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है। दो अगर तीव्रताएं अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं तो हम क्या करते हैं, इसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको वियोजित कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं भाई, ये आपका बिंदु पी है, इसको हमने क्या कर लिया भाई ऊर्ध्वाधर घटक, और इसको ये आपका क्षैतिज के बारा पड़ा हुआ घटक। देखिए दोनों तीव्रताओं की डायरेक्शन इधर मतलब जो है एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से, ठीक अलग अलग दिशाओं में होने की वजह से हम क्या करते हैं इनको क्षैतिज मतलब पड़ी हुई रेखा और ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई रेखा में क्या कर लेते हैं वियोजित कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा इधर बना देंगे जिससे आप सभी लोग समझ पाएँ, ठीक है। ये फिगर पूरा नीचे तक हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका कैसा घटक है, तो आप कहेंगे समांतर घटक। तीव्रता ई1 की डायरेक्शन ऐसे है, ये ई1 हो गया, और ई2 की डायरेक्शन ऐसे ही आपका ई2 हो गया। ये आपका हो गया इसका समांतर घटक, ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर भी होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये आपकी ई1 तीव्रता हो गई, ठीक है। इस कोण को हम मान लेंगे कितना भैया थीटा, और इस रेखा को इससे ऐसे मिला देंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा थीटा, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर खींची गई है, और जब दो समांतर रेखा को त्रियक रेखा काटती है तो ये वाले कोण क्या होते हैं एकांतर कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब आप लोगों ने समकोण त्रिभुज में पढ़ा है, अगर आपको ये वाली लंबाई चाहिए ऊर्ध्वाधर घटक चाहिए तो आप लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने भुजा सदैव लंब होती है, तो लंब ये वाली भुजा होगी कि नहीं होगी, और यही हमें ज्ञात करना है। अगर कर्ण की बात करें तो यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री, इसके सामने भुजा कर्ण ये हो जाएगी, जिसका मान कितना है तो आप कहेंगे E1 है, इसका मान कितना है E1। तो जब यहाँ से लंब निकालेंगे तो आ जाएगा E1 sin थीटा, कहने का सीधा मीन्स ये है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे वो आपका आ जाएगा E1 sin थीटा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में। इसी तरीके से जब हम इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला देंगे अर्थात इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे, और यहाँ पर अगर हम समांतर घटक ज्ञात करेंगे तो हम लगाएंगे कॉस थीटा, ठीक तथा करके यहाँ पर लिख के आपको बता दे रहे हैं कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा देखिए जब भी क्षैतिज घटक ज्ञात करना होता है तो कॉस थीटा लगाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना होता है तो साइन थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण होता है, होता है कि नहीं होता है। तो थीटा के सामने भुजा ये तो लंब हो जाएगी, आधार ये वाली आपकी हो जाएगी, इसी को हमें निकालना है, ये आपका क्षैतिज घटक है। और कर्ण की बात करें तो ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा, इसके सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगी, कर्ण का मान कितना तो आप कहेंगे ई1। तो आधार आपका आ जाएगा ई1 कॉस थीटा, कितना आ जाएगा ई1 कॉस थीटा, अर्थात जो ये क्षैतिज घटक आ जाएगा ये आपका आ जाएगा ई1 कॉस थीटा। तीव्रता ई1 के कारण जो क्षैतिज घटक आया वो आपका ई1 कॉस थीटा आया, ऊर्ध्वाधर घटक आपका E1 sin थीटा आया। अब इसी तरीके से जब हम E2 तीव्रता के कारण क्षैतिज घटक निकालेंगे, क्योंकि E2 तीव्रता के लिए भी ये क्षैतिज घटक है, तो कितना आ जाएगा इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, अब आपको लिख के नहीं बताएंगे। जैसे ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक ये वाली तीव्रता E1 थी तो E1 cos थीटा sin थीटा आया, उसी तरीके से नीचे वाला E2 तीव्रता के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो आपका E2 sin थीटा हो जाएगा, और E2 तीव्रता के कारण जो उसका क्षैतिज घटक होगा वो आपका हो जाएगा E2 cos थीटा। निकाल के आप देख लीजिएगा, बात समझ कि नहीं समझ। अब आपको ये यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो तीव्रता E1 और E2 है प्लस क्यों आवेश के कारण और माइनस क्यों आवेश के कारण जो मैंने तीव्रता E1 और E2 निकाली है ये आप देख सकते हो कि परिमाण में बराबर हैं, अर्थात E1 का मान और E2 का मान सेम है।
तो जब यहाँ पर हम देखेंगे इनके ऊर्ध्वाधर घटक, तो इनके ऊर्ध्वाधर घटक देख सकते हो कि E1 साइन थीटा यहाँ पर E2 साइन थीटा, E1 E2 आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तीव्रता होती है एक सदिश राशि, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं आप क्या लिखोगे, ऊर्ध्वाधर घटक जो है परिमाण में बराबर हो गए, क्योंकि E1 E2 बराबर हैं, ठीक है, परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, इस वजह से जब इनका परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य मिल जाएगा, अर्थात ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे चूँकि E1 व E2 परिमाण में बराबर हैं, क्या हैं, परिमाण में बराबर हैं, ठीक है, परिमाण में बराबर हैं, ठीक। उसके बाद आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ठीक है, लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे भैया, निरस्त कर देंगे, अर्थात इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो जीरो आएगा, कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन जो आपने समांतर घटक निकाले हैं, देख सकते हो E1 साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में है और E2 साइन थीटा, E2 तीव्रता के कारण जो क्षैतिज घटक निकला वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये जो क्षैतिज घटक हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे भाई, जुड़ जाएंगे, तथा क्षैतिज घटक ये लैंग्वेज आपको लिखना अनिवार्य रहे, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं भाई, जुड़ जाते हैं। इतनी आपको हिंदी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इस हिंदी लैंग्वेज को आप टाल नहीं सकते। अब हम करेंगे क्या, जब ये वाले घटक जुड़ जाएंगे तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो इन घटकों के जुड़ने से ही तो प्राप्त होगी, तो लिखेंगे अतः परिणामी तीव्रता। जब आप क्लास को देख रहे होंगे लगातार तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, इधर उधर दिमाग नहीं लगाइएगा। परिणामी तीव्रता इसको रब कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हमारे पास जगह अब नहीं है पर्याप्त, ये सब बता दिए कैसे आया। तो जब परिणामी तीव्रता हो जाएगी ई, वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग से प्राप्त होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर घटक थे और एक ही दिशा में थे, ऊर्ध्वाधर घटक तो भैया कैंसिल हो गए आपके। अच्छा, ई बराबर कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, E1 की वैल्यू कितनी आई है, E1 की वैल्यू भी सेम है, E2 की वैल्यू भी सेम है, जब E1 E2 को जोड़ोगे तो चूंकि देखिए दोनों चीज़ें सेम हैं तो 2×1 बार इसको आप लिख सकते हो 1/4πε0 q/r² + l² इंटू में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा दोनों में कॉमन हो गया, मेरी बात को सुन में ही, हम E1 cos थीटा और E2 cos थीटा में cos थीटा ले लिए मान लीजिए कॉमन, ठीक है। अब E1 और E2 सेम है तो है भैया, E1 E2 का मान देखो सेम है कि नहीं, जब आप जैसे x और x सेम है जोड़ोगे तो 2×x हो जाएगा कि नहीं, मतलब 2x हो जाएगा कि नहीं, उसी तरीके से इसको जब जोड़ोगे तो 2×1 बार इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है, समय को भी बचाने के लिए और आपको समझ में भी आ जाए। 1/4πε0 k से लिख सकते हैं, 2 और q का गुणा कर सकते हैं तो 2q हो जाएगा, बटे में हो जाएगा r² + l², आई बात समझ में, इंटू में कितना है cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखिए हमने इस वाले एंगल को यहाँ पर थीटा माना था, तो देखिए ये रेखा क्या है भैया, समांतर है तो है किसके, इस वैद्युत दुद्रुव की अक्ष के समांतर ये रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो अगर इस कोण को थीटा माना तो ये वाला कोण भी तो थीटा होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब जब ये थीटा कोण होगा तो इस थीटा कोण के अकॉर्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कितनी आ जाएगी, देखिए ये आपका हो जाएगा ई बराबर, आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ेगा तो हम स्क्रीन इधर बढ़ा देंगे, ठीक है, दिखाई पड़ना चाहिए आपको, ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 k 2q हो जाएगा
और बटे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना मैंने लिख दिया। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर कितना होता है तो आप कहेंगे आधार बटे कड़ होता है, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब होगा, आधार एल होगा और कड़ ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आधार एल बटे में कड़ हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, मैंने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। अब ये आपका हो जाएगा ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के हो जाएगा टू क्यू एल, इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं भैया पी, क्योंकि हमने वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी बराबर होता है टू क्यू इंटू में एल, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है पावर एक बटे दो, और यहाँ पर देखिए ब्रेकेट में लिखा है इसका मतलब इसकी पावर एक है, तो जैसे हम अभी एक्स अंडर रूट एक्स जोड़ते तो इसको हम एक्स की पावर तीन बटे दो लिखते कि नहीं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर एक बटे दो, इसकी पावर एक, जब आधार लेंगे और घाते जोड़ेंगे एक में एक बटे दो तो तीन बटे दो ही तो आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आधार आपका है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर को जोड़ेंगे तो तीन बटे दो ही आएगा। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। यहाँ पर जो वैद्युत ध्रुव है इसमें आप देखिए आर की तुलना में जो एल दूरी होती है बहुत छोटी दूरी होती है, वैसे भी आपने बताया कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो ये एक तो ऐसे टू एल ऐसे ही अल्प दूरी है तो एल तो और भी छोटी दूरी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे एल चूंकि बहुत छोटी दूरी है आर की तुलना में, और जो बहुत छोटी दूरियाँ होती हैं उनको हम डेरिवेशन में नेगलेक्ट कर देते हैं, सभी को पता है, तो इसलिए आपका ई बराबर हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, पी ऊपर हो जाएगा, एल को जब नेगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर की पावर कितना बचेगा तीन बटे दो, ये दो से दो आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताइए, कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर आपका हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और पी अपान में कितना हो जाएगा आर क्यूब बचेगा। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, बाकी वही काम निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान एक, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यदि के बराबर एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यूब। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मैंने बताया था न्यूटन प्रति कूलम या ओल्ड प्रति मीटर, दो मात्रक आपको बताए थे। अब देखिए भैया सबसे जो मेन बात है, सबसे जो मेन बात वो क्या है, हमने परिणामी तीव्रता निकाली प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रताएं हैं उनका परिणामी निकाला, तो चूंकि समांतर घटक एक ही दिशा में थे इसलिए समांतर घटकों के योग से परिणामी तीव्रता मिली, ऊर्ध्वाधर घटक तो भैया विपरीत थे इसलिए निरस्त हो गए थे। अब जो आप देख पा रहे हो समांतर घटक यही तो था, तो जो तीव्रता थी उसकी डायरेक्शन इधर की ओर तो है, वैद्युत ध्रुव की दिशा किधर से किधर, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर की होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और जो पहले यहाँ पर तीव्रता निकाली निरक्षीय स्थिति में इसकी दिशा किधर से किधर की ओर है प्लस से माइनस की ओर, इधर जा रही है ना दिशा, तो आप कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो ध्रुव की दिशा के विपरीत है अर्थात प्लस से माइनस की ओर, ये परिणामी तीव्रता ही एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर से किधर की होगी प्लस से माइनस की ओर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मैंने ज्ञात करना बता दिया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब आपका एक टॉपिक और आपका छोटा सा टॉपिक बचता है, उसको भी आज ही की क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं भाई, ठीक है, रफ कर दें इसको, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था आपका, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन था। अब आप सभी लोगों को अगली हेडिंग लगाना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो ध्रुव है उसको हम थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे और उस पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करेंगे, ठीक, तो हेडिंग लगा लीजिएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, ठीक,
छोटा सा डेरिवेशन एग्जाम में कभी कभी दो नंबर में पूछ लिया जाता है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत दूध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर शो करेंगे। ये आप देख पा रहे हो, जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने आपके सामने बना दिया। वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। अब एक वैद्युत दूध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में हम थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं ऐसे। ये वैद्युत दूध्रुव हो गया, इसको मैंने इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। वैद्युत दूध्रुव का निर्माण कैसे होता है? एक माइनस क्यों आवेश होता है, एक प्लस क्यों आवेश होता है। ये आपका ए बिंदु हो गया, ये आपका बिंदु बी हो गया। और वैद्युत दूध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आप बताएंगे कि 2L दूरी होती है। होती कि नहीं होती? तो आप कहेंगे जी होती है। बी को हम ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे, इस पॉइंट को सी नाम दे देंगे। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया। आप सबसे पहले कहेंगे कि माना हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें हमने एक वैद्युत दूध्रुव ए बी को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर एक प्लस क्यों आवेश है, एक माइनस क्यों आवेश है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण इस प्लस क्यों आवेश पर एक बल कार्य करेगा और एक माइनस क्यों आवेश के कारण एक बल कार्य करेगा। जो प्लस क्यों आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य करेगा वो आपका इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। आपने पढ़ा है ई बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यों। क्या होता है? ई बराबर होता है एफ अपान में क्यों। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ये आपकी इस डायरेक्शन में आपके है ही है पहले से। अब इस तीव्रता के कारण जो बल कार्य कर रहा है आवेश पर, वो आपका इस सूत्र से निकलेगा, एफ बराबर ई क्यों हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं चूँकि दोनों आवेशों के परिमाण समान हैं तो जो बल इसके ऊपर कार्य करेगा वही बल इसके ऊपर कार्य करेगा, बशर्ते फर्क इतना होगा कि इस पर जो बल कार्य कर रहा है उसकी डायरेक्शन आपकी हो जाएगी। देखिए इस पर बल कार्य कर रहा है EQ, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी। और ये आवेश वो प्लस है, ये ऋण है, तो इस पर भी बल तो इतना ही कार्य करेगा लेकिन वो इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। प्लस क्यों आवेश के कारण अगर इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है तो माइनस क्यों आवेश के कारण इस डायरेक्शन में बल कार्य करेगा। चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण कार्य कर रहा है इसलिए एफ बराबर EQ यहाँ पर भी बल कार्य करेगा। तो एक खास बात आपको देखने को ये मिली कि जब हम वैद्युत दूध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत दूध्रुव के दोनों आवेशों पर, वैद्युत दूध्रुव के दोनों आवेशों पर एक बल कार्य करने लगता है जिसका परिमाण आपस में बराबर होता है और प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होती है वो विपरीत होती है। एक की डायरेक्शन ऐसे तो एक की डायरेक्शन ऐसा है, एक दूसरे की विपरीत है। अब एक चीज़ बताइए, ये दोनों बल क्या करेंगे? ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाने लगे, एक बल यहाँ कार्य करा, एक बल यहाँ, यानी ये बलयुग्म कार्य करने लगा। ये बलयुग्म में क्या करेगा? देखिए ये बल इधर लाने का प्रयास करेगा, ये बल इधर। तो ये बलयुग्म क्या करेगा? इस वैद्युत दूध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। समझ पा रहे हो? इसको कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस वैद्युत दूध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। और इस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या पढ़ा है? बल गुणे लंबवत दूरी, कक्षा 11 में भी पढ़ा है। टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बल कितना कार्य कर रहा है? तो आप कहेंगे EQ कार्य कर रहा है। और लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये आपकी हो जाएगी त्रिभुज ABC में। अगर देखें तो यहाँ पर देखिए लंबवत दूरी निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा लगाते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने बुझाइए लंब हो जाएगी। हमको लंब ही तो चाहिए, लंब क्या है आपका BC, लंबवत दूरी ही तो चाहिए। और कड़, कड़ कितना है आपका? कड़ आपका 2L हो जाएगा क्योंकि ये कोण आपका 90 डिग्री होगा, ये रेखा आपकी परपेंडिकुलर खींची गई है तो ये आपका कड़ हो जाएगा 2L। तो जब BC का मान यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा 2L साइन थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये लंबवत दूरी हमने निकाली है ये कितनी आ जाएगी? 2L साइन थीटा आ जाएगी। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो लंबवत दूरी के स्थान पर कितना रख देंगे? 2L साइन थीटा। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करेंगे, टाउ बराबर इसको ले सकते हैं 2Q L इसको पास पास कर लिया और गुड़े में हम ई लिख सकते हैं और इंटू में लिख सकते हैं साइन थीटा। तो टाउ बराबर 2QL। आप लोगों को मैंने बताया है
कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2qL, होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए यहाँ पर टाउ बराबर आपका हो जाएगा इसके स्थान पर पी ई, और कितना हो जाएगा साइन थीटा। टाउ बराबर जो पी ई साइन थीटा हो जाएगा, यही वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। मात्रक आप आराम से निकाल सकते हो, इसका मात्रक गुणे इसका मात्रक कर दीजिएगा, इसका मात्रक आ जाएगा। या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होती, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका न्यूटन मीटर मात्रक हो जाएगा। इसमें स्थितियां भी आपकी तीन बनेंगी, लेकिन उसको समझने से पहले एक बार इसको अगेन हम रिविजन करा देते हैं आपको। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाओगे, कहोगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो है वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश हैं वो माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं, इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण दोनों आवेशों पर जो बल कार्य कर रहा है परिमाण में बराबर है, और दिशा में विपरीत होने की वजह से क्या करते हैं, ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं और एक बल युग्म बनाते हैं, और ये बल युग्म क्या करता है, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, या प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं, टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो हमने बल का मान लिख दिया जो आवेश पर लग रहा था, और परपेंडिकुलर दूरी को हमने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से निकाल लिया, तो लंबवत दूरी रख दिया मैंने, 2qL को पास कर लिया क्योंकि 2qL p के बराबर होता है, और इनटू में ई आपका था ई लिख दिया और साइन थीटा हो गया। तो इस तरीके से बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक आ गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब इसकी तीन स्थितियां हैं, पहली कि अगर ये आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण कितना बनाए आपका 90 डिग्री, अर्थात परपेंडिकुलर ऐसे हो, तो इस स्थिति में जो टाउ का मान होगा वो कितना होगा पी ई, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी ज़्यादा, सॉरी साइन यहाँ पर थीटा के स्थान पर 90 रखोगे साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा पी ई आ जाएगा। इस स्थिति में जो बल आघूर्ण होता है ये आपका क्या होता है मैक्सिमम होता है। दूसरी स्थिति होती है अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब इसके समांतर रख दे वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो थीटा बराबर कितना होगा 0 होगा, और जब थीटा बराबर 0 होगा तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टाउ बराबर हो जाएगा 0। अर्थात इस स्थिति में जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो मिनिमम होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान मतलब जो है कब अधिकतम होता है, किस स्थिति में होता है, अधिकतम स्थिति में ज्ञात कीजिए, न्यूमेरिकल में पूछा गया था, तो वहाँ पर आपको अगर अधिकतम बोला जाएगा टाउ मैक्स का मान अधिकतम किस स्थिति में मिलता है, तो आप कहेंगे जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो जो बल युग्म आघूर्ण का मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है टाउ मैक्स बराबर पी ई। बात समझ में है कि नहीं समझ में? अच्छा ये भी है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को हम समांतर रखें लेकिन विपरीत रख दें तो थीटा बराबर 180 हो जाएगा। जब 180 रखोगे, तीसरी भी स्थिति आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तीसरी स्थिति में जब थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा तो भी आपका जो टाउ का मान होगा वो आपका 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो इन दोनों स्थितियों में जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो आपका कम होता है यानी मिनिमम होता है, और थीटा बराबर 90 डिग्री में क्या होता है भैया मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर के न्यूमेरिकल करा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय हम आपको बहुत ही जल्द क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।